तारीख को प्रधानमंत्री की भी रैली है और 13 तारीख को महाराष्ट्र में राहुल गांधी भी 3-4 रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से आपका रिश्ता पुराना है, क्या आप उनको हरा करके और संसद पहुंची हैं, तो इसको कैसे देखती हैं और कितना सकारात्मक राजनीति का उदाहरण देश में नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रस्तुत किया है। जिस व्यक्ति की तुलना आप देश के प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं वो कितने राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक हैं, इसका प्रमाण अमेठी के चुनाव में हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन अपने निजी राजनीतिक दृष्टिकोण से परे हटकर अगर वो महाराष्ट्र पधार रहे हैं तो 2-3 प्रश्नों का निश्चित रूप से उन्हें उत्तर देना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में जिस राजनीतिक दल ने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज छेड़ी, जिस राजनेता ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान को कलंकित करने का प्रयास किया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों खड़े हुए? जिस महाराष्ट्र में वो आकर भाषण देना चाहते हैं उस महाराष्ट्र की जनता निश्चित रूप से जानना चाहेगी कि चुनाव की बेला में तो वो आकर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब चुनाव नहीं था तो वीर सावरकर का अपमान उन्होंने क्यों किया? सवाल ऐसे कई होंगे जिनसे उनको जनता अवगत कराएगी। मेरे ये 2 प्रश्न हैं जो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उनका कहीं ना कहीं शायद जवाब आए, और ये सवालों की श्रृंखला है जो शुरू हुई थी उनके जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने की घोषणा के साथ। एक जवाब उन्हें 2019 के चुनाव में मिल गया, एक और जवाब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के परिणाम हेतु उन्हें मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हम राजनीति में और विशेषतः लोकतंत्र में सेवा इसलिए देते हैं ताकि समाज के उत्थान के कार्यों तक अपने ध्यान को केंद्रित रखें। प्रधानमंत्री जी ने बार बार और हमारे संगठन ने भी ये जिम्मेदारी तय की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लगातार जनता के मध्य में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये बात और है कि आज राहुल गांधी अपने ही संगठन के लिए एक समस्या बन चुके हैं।